घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। Madani maga madani re ga ga re nida nire ga ma pa re ga re nida sa. नमस्कार, तो मैं हूं मास्टर निषाद और आप सभी देख रहे हैं संगीत प्रवाह वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है जिसमें मैं थाट के समय बता चुका हूं आपको, थाट के बहुत सारे राग बता चुका हूं आपको और चंद्रागों के समय बता चुका हूं आपको, उसी सीरीज में मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि मैं आपको थाटों का एक अलग तरह से रियाज करना सिखाऊंगा। जैसा कि हमने 10 थाटों का रियाज जो है वो तो देखा ही है, कैसे एक के बाद एक हम थाट बदलते हैं, पहले बिलावल, भैरवी, कल्याण, भैरव, किसी भी ऑर्डर में, ये ऑर्डर तो संगीत प्रवाह की किताब का है ना, उसमें हम रियाज करते हैं। फिर आज मैं आपको एक नए तरीके का बताऊंगा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में हिंट भी दिया था कि आरोह में कोई दूसरा थाट और अवरोह में कोई दूसरा थाट। क्या होता है, हमने जो कॉम्बिनेशंस देखे हैं जिसमें कि बिलावल, कल्याण, जिसमें कि मैंने आपको बताए थे कि कौन से थाट में कौन से राग आते हैं, तब मैंने वो कॉम्बिनेशन बताए थे, बिलावल, कल्याण, भैरव, भैरवी, काफ़ी खमाज, आसावरी तोड़ी, मारवा पूर्वी, ये जो हैं कॉम्बिनेशंस हैं, है ना, इनमें हल्का हल्का फ़र्क होता है और इनका चलन काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, इसीलिए इन थाटों के ये कॉम्बिनेशन होते हैं। तो जब हम रियाज करते हैं उन थाटों का, तब भी अगर उनका रियाज करें इन कॉम्बिनेशंस में, तो बहुत बेहतरीन आपको है जो चीज़ें हैं समझ आने लगेगी, स्वर का एक पक्कापन हो जाएगा। तो इसका एक तरीका मैंने निकाला है जिसमें आप ये समझ सकते हैं कि 100 पेयरिंग जो है वो आपको बनानी पड़ेंगी। कैसे होगा, सबसे पहले आप एक थाट लेंगे बिलावल, आरोह में, फिर अवरोह में बिलावल, ये एक हो गया, फिर बिलावल भैरवी, फिर बिलावल कल्याण, बिलावल भैरव, बिलावल काफी, बिलावल खमाज, बिलावल आसावरी, बिलावल मारवा, बिलावल पूर्वी, बिलावल तोड़ी, ऐसे करके 10 हो गए। यही आप 10 थाटों के साथ करेंगे, भैरवी बिलावल, भैरवी भैरवी, है ना, ऐसे करके, या फिर भैरवी भैरवी से शुरुआत कर दीजिए, जो सेम सेम थाट से फिर बदल दीजिए। इसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस मिलेंगे जो वाकई में बहुत हल्का सा फ़र्क करने पर उनमें आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिल जाती है। जैसे कि कल्याण और मारवा जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कल्याण जब जा रहा है तो सिर्फ तीव्र मध्यम है, लेकिन जब अवरोह में मारवा लौट रहे हैं तो कोमल ऋषभ लगाना पड़ रहा है ना, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे जो मुश्किल भी होंगे और मज़ा भी आएगा करने में। जैसे कि हम देखें तो तोड़ी और पूर्वी, है ना, इनमें आप जाएंगे जब पूर्वी जा रहे हैं तो आपको गंधार शुद्ध रखना है, लेकिन अवरोह में तोड़ी आ रहे हैं तो गंधार कोमल लगेगा, है ना। ये आप तानपुरे के साथ रियाज कीजिए, आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो ये जो छोटे छोटे कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे आपको, ये तब मिलेंगे जब ये कंप्लीट वाला रियाज भी आप कर लेंगे। चाहूँ तो मैं वो कॉम्बिनेशंस आपको खुद बता दूँ कि ये कर लो, जैसे मैंने बताया अभी आपको कि आप पूर्वी तोड़ी कर लीजिए, आप मारवा कल्याण कर लीजिए, है ना, ऐसे कर लीजिए। बट मज़ा तब आएगा, सीखने को आपको वाकई तब मिलेगा जब सारे के सारे सर्कुलेशन में आ जाएंगे, कोई सा भी थाट किसी के साथ भी सा, है ना, वो मैच द फॉलोइंग होता है ना, सेम वैसा, एक के साथ 10, दूसरे के साथ भी 10, तो तीसरे के साथ भी, तो ऐसे करके 100 जो हैं 100 बार आपको गाना पड़ जाएगा, है ना। तो ये एक तरह से 100 अलंकार हो गए आपके लिए, गाना एक ही अलंकार है, पहला ही अलंकार गाना है, लेकिन 100 तरीकों में। छोटा सा एग्जाम्पल आपको मैं करके दिखाऊंगा ताकि आप समझ जाएं उसको। बिलावल जाएंगे, बिलावल आएंगे पहले तो सा रे ग म प द नि सा, सा नि द प म ग रे सा, बिलावल भैरवी सा रे ग म प द नि सा, सा नि द प म ग रे सा, है ना, रे ग ध्वनि कोमल लगे, बिलावल कल्याण सा रे ग म प ध नि सा,
भैरव फिर सारे गमा पदानी सानी दापा मगरे सा, है ना। ऐसे करके तोड़ी और बिलावल देखें तो सारे गमा पदानी सानी दापा मगरे सा। तो आपने ये देखा कि दसों को दसों के साथ करने के बाद फिर आप जब चलन बदलेंगे, भैरवी बिलावल करेंगे, भैरवी कल्याण करेंगे, तो कैसा जाएगा? सा रे ग म प द नी सा सा नी द प म ग रे सा। एक ही लय में करना है इसे, एक ही लय पकड़ के आपको, अभी तो मैंने आपको समझाने के लिए धीरा कर दिया इसको, पर एक ही लय में इसका रियाज होना चाहिए। जिस भी लय में आप आरोह करें उसी लय में अवरोह भी होगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस बना लीजिए, और बड़ा ही मुश्किल रहेगा, ऐसा नहीं कहूँगा आसान है, पर आसान है इसको समझना, इसमें ज़्यादा मुश्किलात नहीं है। पहले बिलावल के साथ सारे कर रहे हैं, फिर भैरवी के साथ, तो ऐसे करके आपको कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे, आप बना पाएंगे। जैसे कि मैं दो तीन जो एग्जाम्पल्स आपको दिए वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। कल्याण और मारवा का मैं आपको करके दिखाता हूँ। सा रे ग म प द नी सा नी द प म ग रे सा, है ना। ये कुछ कॉम्बिनेशंस बनेंगे जिनका आप रियाज करेंगे तो आपको बेहतर जो है स्वर में पक्कापन आ जाएगा, और थाटों का रियाज तो बहुत बेहतरीन हमारे गले में स्वरों को पक्का कर ही देता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को, जो है रियाज करने को है वो आपको खुद को करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा कोई वीडियो ला सकूँ जल्द, जिसमें कि मैं ये दसों थाटों का रियाज इस कॉम्बिनेशन के साथ करा रहा हूँ, तो आपके लिए बेहतरीन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखते रहें संगीत प्रभा वर्ल्ड का चैनल, एंड सब्सक्राइब करें। काफ़ी सारी नॉलेज हम दे चुके हैं थाटों के ऊपर, रागों के समय के ऊपर, और उनका यूज़ करें, उनके हिसाब से रियाज करें, तब जाके उसकी बात खिलेगी। सिर्फ वीडियो देख लेने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, एंड सब्सक्राइब करें चैनल को।